जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 9 जुलाई 2021, और 9 जुलाई 2021 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में टाइप कीजिए हमारा बिहार HB, जहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आता है, और वहाँ पर सर्च कीजिए और आपको चैनल सर्च होकर आ जाएगा हमारा बिहार, जिसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको प्रतिदिन आपको PDF मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का, साथ ही आप मंथली PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मंथली PDF का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जनवरी से लेकर जून माह तक का मासिक करेंट अफेयर्स का PDF अपलोड किया गया है, तो लिंक के थ्रू आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने बिहार के कितने शहरों में डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट होलसेल ऐप की शुरुआत की है? तो बिहार के 7 शहरों में फ्लिपकार्ट ने शुरू किया है होलसेल ऐप, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। भारत की घरेलू कंपनी फ्लिपकार्ट ग्रुप की डिजिटल B2B मार्केटप्लेस कंपनी फ्लिपकार्ट होलसेल ने बिहार के 7 शहरों में डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट होलसेल ऐप की शुरुआत की है। यह एप्लीकेशन पटना, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, मधुबनी, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में शुरू किया है। और दोस्तों एप्लीकेशन से आया है प्रश्न, तो हाल ही में 2021 में बिहार में जितने भी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में आलोक रंजन के द्वारा NCC इवेंट्स एंड ट्रेनिंग शेड्यूल नेटसा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। नए साहित्य कार्यों को प्रचार प्रसार एवं डिजिटलीकरण करने के लिए काव्यपीडिया नामक एक निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाया गया है। वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार की नीति, योजनाओं, कार्यक्रमों और व्यापक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा वेब मीडिया नियमावली 2021 का गठन किया गया है। बिहार में दवाओं की सप्लाई चेन की निगरानी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से बिहार के अति कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। इस ऐप को अभी 1,04,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा होम आइसोलेशन में इलाज कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए हीट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में वेजफेड के द्वारा पटना, पूर्वी चंपारण दोनों जिला में ऑनलाइन सब्जी खरीदने के लिए www.tarkarimart.in पोर्टल की शुरुआत की गई है, हालांकि बाद में इसमें दरभंगा जिला को भी जोड़ा गया है। हाल ही में संक्रमित रेल कर्मियों अथवा उनके परिजनों के इलाज के लिए विशेष रूप से स्पर्श एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। हाल ही में राज्य में सड़क की ऑनलाइन शिकायत के लिए बिहार पथ संधारण एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अपराधियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए चक्र ऐप लाया गया है। हाल ही में आई सुविधा एप्लीकेशन बिजली विभाग से संबंधित है। हाल ही में किसानों की समस्या को दूर करने के लिए विहान नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया गया है। हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा 102 इमरजेंसी बिहार ऐप, रेफर ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम और 102 एम्बुलेंस पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रसव के दौरान होने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए वंडर ऐप लाया गया है, ठीक है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 1 मार्च 2021 से पूरे राज्य में एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। दिव्यांग छात्रों के को शिक्षा से जोड़ने, उनके शैक्षणिक वातावरण में सुधार और शिक्षकों पर नज़र रखने के लिए दिव्य ऐप लाया गया है। तो दोस्तों ये था 2021 का सभी महत्वपूर्ण वेब पोर्टल एवं एप्लीकेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र में नवनियुक्त बिहार के मंत्री आर सी पी सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इन्हें इस्पात मंत्री बनाया गया है, ए ऑप्शन सही हो गया। इसके अलावा पशुपतिनाथ पारस को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है, और उसके अलावा कुछ नए मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुए एक बार देखते हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्वानंद सोनेवाल, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के पास है, शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान, और कानून मंत्री बने हैं किरण रिजिजू, ठीक है।
अगला प्रश्न है, पटना मेट्रो का लोगो डिजाइन करने के लिए प्रथम विजेता को कितने रुपए का पुरस्कार राशि दिया जाएगा? तो 50,000 रुपया, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों पटना मेट्रो के द्वारा प्रतियोगिता लाया गया है और पटना मेट्रो का जो लोगो तैयार किया जाएगा वो आम जनता के द्वारा ही तैयार किया जाएगा, तो पटना मेट्रो का लोगो आम जनता डिजाइन करेगी। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लोगो डिजाइन प्रतियोगिता की शुरुआत की है। कोई भी व्यक्ति पटना मेट्रो का बेहतरीन लोगो बनाकर 23 जुलाई तक भेज सकता है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। पटना मेट्रो की ओर से प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपया, द्वितीय विजेता को 25,000 रुपया और तृतीय विजेता को 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस लोगो का न्यूनतम आकार 4x4 इंच होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आगामी पंचायत चुनाव में बिना मास्क के वोट देने के लोगों पर कितने रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है? तो 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। इसके अलावा पंचायत चुनाव से जुड़े उम्मीदवारों को 5 से अधिक लोगों के समूह में प्रचार करने की छूट नहीं है। चुनाव आयोग ने अधिकतम 850 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र के गठन का निर्देश दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा सर्वे के अनुसार 35% महिला आरक्षण के बावजूद भी बिहार में कितने प्रतिशत महिला के पास रोजगार है? तो मात्र 6.6%, सी ऑप्शन सही हो गया। राष्ट्रीय औसत पर 18.4% महिलाओं के पास रोजगार है। इस मामले में गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर है। बिहार में कामकाजी महिलाओं का अनुपात गांव और शहर दोनों जगह 6.6% ही है। अवैतनिक और वैतनिक गतिविधियों में पुरुष और महिलाओं की भागीदारी मापने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पहली बार कराए गए टाइम्स यूथ सर्वे में इस बात को की पुष्टि की गई है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता के लिए राज्य में कब से कब तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा? तो 11 जुलाई से 31 जुलाई तक, ठीक है, बिहार में परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं को 2,000 रुपया और उन्हें मोटिवेट करने वाली आशा, आंगनवाड़ी सेविका या ANM को प्रत्येक ऑपरेशन पर 300 रुपया दिया जाएगा। ऑपरेशन के बाद 7 दिन के अंदर अगर मृत्यु होती है तो 4,00,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा तथा ऑपरेशन फेल्योर होता है तो 60,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार बजट से, तो बिहार बजट 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितना करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया है? तो 13,265.87 करोड़ रुपया, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग के लिए 13,264.87 करोड़ रुपया प्रस्तावित है, जिसमें राजस्व मद में 10,827.19 करोड़ रुपया तथा पूंजीगत मद में 2,437.68 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार में 2007-08 से 2017-18 के बीच चालू कृषि आधारित कारखानों की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहा? तो ये 11.7% रहा है, डी ऑप्शन सही हो गया। राष्ट्रीय औसत पर यह आंकड़ा 9.3% अधिक है। कृषि आधारित कारखानों की वृद्धि दर से पता चलता है कि बिहार में होने वाले कृषि उत्पादन के बड़े हिस्से का वास्तविक प्रसंस्करण अब राज्य में ही होता है। बिहार में पिछले 3 वर्षों में 36.2% उद्योग में विस्तार हुआ है, जिसका स्तर संपूर्ण भारत के स्तर से 7.6% अधिक है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स, चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो पहला प्रश्न था, हाल ही में बिहार के कौन से खिलाड़ी अगस्त 2021 से शुरू होने वाले विश्व शतरंज प्रतियोगिता के अंडर 10 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो रेयान मोहम्मद, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की ऑनलाइन निगरानी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया है? तो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और डी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में बिहार में स्थित किस रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाई गई है? ठीक है, और दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है, उड़ीसा के पारादीप से असम के नुमालीगढ़ तक 1640 किलोमीटर लंबाई में गैस पाइपलाइन बिछाई जानी है, इसमें कितने किलोमीटर क्षेत्र बिहार का भी पड़ता है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए अब समय आ गया है क्विज के रिजल्ट का। तो दोस्तों 6 जुलाई का जो क्विज था, जिसमें प्रथम स्थान पर है गायत्री सिंह, दूसरा स्थान पर नम्रता कुमारी और तीसरा स्थान पर दीपक जी हैं, इन तीनों को बहुत बहुत बधाई।
और दोस्तों 7 जुलाई का जो करेंट अफेयर्स है उसका, उसमें प्रथम स्थान पे श्याम कुमार है, दूसरे स्थान पे रजनी है और तीसरे स्थान पे है कुंदन रॉय जी। इन तीनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही दोस्तों 8 जुलाई के करेंट अफेयर्स का जो रिजल्ट है, जिसमें प्रथम स्थान पे है सुकन्या, दूसरे स्थान पे श्याम कुमार है और तीसरे स्थान पे है अति रंजन मिश्रा, इन तीनों को भी बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों आप लोग भी अगर क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए HB क्विज और चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज क्लब। और वहाँ पे प्रतिदिन शाम में आपको करेंट अफेयर्स का बोर्ड पोस्ट किया जाता है, जिसमें आप विश्व बिहार और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी तरह के करेंट अफेयर्स को सम्मिलित किया जाता है और क्विज बोर्ड के माध्यम से आप क्विज दे सकते हैं। साथ ही आपका करेंट अफेयर्स भी रिवाइज हो जाएगा, तो आप लोग को बोलेंगे कि ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।